जी तो जनाब, स्पॉट फिक्सिंग की दुनिया से आया है एक नया ताजा तरीन मंजर सामने आया है, और इस मंजर में की रोल जो प्ले कर रहे हैं वो हैं जनाब ब्रेंडन टेलर, जो कि जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं। और उनका ये कहना है कि भारत के एक बिजनेसमैन उनको मैनिपुलेट करके एक होटल के अंदर ले गया भारत में, और वहाँ पर उनको डिफरेंट ऑफर की गई, और उसके साथ साथ सेलिब्रेटिंग और ड्रिंकिंग वगैरह के चक्कर में उनकी कुछ वीडियोस बना ली गई, और इन वीडियोस की बेस पर बाद अज़ा उनको ब्लैकमेल करके मजबूर किया जाता रहा कि वो स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व हों, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऑल्दो कि उन्होंने थोड़ा लेट आईसीसी को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने आईसीसी को अप्रोच किया, मगर वो इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आईसीसी का डिसीजन उनके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि आईसीसी को फुल सपोर्ट है भारत की, और भारत के ऐसे घिनौने जो हरबे हैं उनको मंजरे आम पर लाने के लिए आईसीसी कभी भी ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकता। आईसीसी ने डेफिनेटली डिसीजन टेलर के खिलाफ देना है, लेकिन टेलर की अजमत को सलाम, टेलर की हिम्मत को सलाम कि उन्होंने ये कदम उठाया और मंजरे आम पर भारत का घिनौना चेहरा एक बार फिर लेकर आए। भारत जो कि शुरू से ऐसा करता रहा है, आगे भी करता रहेगा, क्योंकि उसकी फितरत में है ये ऐसे घिनौने हरकतें करना, तो वो इससे बाज नहीं आएगा, क्योंकि मोदी सरकार का यही शेवा है और उनको यही सब कुछ सूट करता है। लेकिन हमेशा की तरह हर बार भारत को मुंह की खानी पड़ती है ऐसे ओछे हथकंडे अख्तियार करने पर।